राष्ट्रीय विकास पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की मासिक बैठक अमरोहा। राष्ट्रीय विकास पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की ने अपने ही सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ की मासिक बैठक में दिव्यांगों वृद्धों विधवा युवा को एकजुट होकर अपने हक के लिए संगठन मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की और सभी के साथ मिलकर सबका विकास है। इस मौके पर मौजूद कमर आलम गाजी अब्बास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाफर मेहदी राष्ट्रीय महासचिव जयचंद गौतम प्रदेशाध्यक्ष प्रथम योगेंद्र नागर पिंटू राकेश कुमार लवली अनीता सोनू कुमार अली वारिश आदि मौजूद रहे। ये मेरा मीटिंग रखने का आयोजन हर महीने की मीटिंग का है और हमारा मीटिंग का एक सबसे बड़ा आयोजन है कि ऑल दिव्यांग विकास संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अब मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया कम से कम 15 दिन पहले और मैं राष्ट्रीय विकास पार्टी डी चुनाव आयोग में ले जा रहा हूं, जिससे कि मेरे विकलांग विधानसभा में पहुंचने में अपना कीमती वक्त दे सकें, क्योंकि मेरा अगर विकलांग विधानसभा में जाएगा तो उन विकलांग कल्याण मंत्री बनेगा, अपने विकलांगों की आवाज़ उठाएगा, क्योंकि जब तक हमारे विकलांग आवाज़ नहीं उठाएंगे विधानसभा में बैठकर, जब तक ये निकम्मी सरकारें हैं, ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, चाहे सरकार किसी की भी आए, ये साले सब भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं। उस गठन में हम अपने विकलांगों के लिए अहम भूमिका देखते हुए उनका जैसे 1 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, बिजली के कनेक्शन फ्री दिए जाएं, गैस कनेक्शन फ्री दिए जाएं, आवास दिए जाएं और जो है एक आदमी को जो विकलांग है विधवा है उसको 1 एकड़ का पट्टा दिया जाए। इस नाते बार 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 धरना प्रदर्शन करते करते हम थक गए। इस बार बार कहने पर अधिकारियों ने हमारी बात पर संज्ञान नहीं लिया, बार बार कहने के बाद भी समझाने के बाद भी वो ये लोग सोचते हैं कि ये विकलांग है। हमें मोदी जी ने एक दिव्यांग शब्द तो दे दिया, इससे तो हम विकलांग ही सही थे। झूठे वादे करने वालों से जो पेंशन बता रहे थे कि हम 1500 रुपये देंगे, उन्होंने बजट में 1000 रुपये का पास किया है। मेरी आवाज को विपक्ष के नेता भी सुन रहे हो तो सदन में विकलांगों की आवाज को विपक्ष के नेता होने के बावजूद उठाएं।